नमस्कार मित्रों, आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं 2 नवंबर को है। कुछ इतने सरल उपाय हैं जिनको करने से घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो उपाय हैं। वैसे तो अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा अत्यधिक फलदायी होती है, लेकिन दोनों पक्षों की एकादशी पर इसके प्रयोग बहुत शुभ होते हैं। दोनों पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं। एकादशी पर जो लोग पानी में आंवले का रस डालकर स्नान करते हैं तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अक्षय नवमी के दिन घर के आसपास आंवले का पौधा लगाना भी बहुत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। माना जाता है कि घर के आसपास आंवले का पौधा लगा होने से परिवार को किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, क्योंकि यह पौधा ही सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप में समा लेता है। और आंवले की पूजा करने से न सिर्फ भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें और उन्हें आंवला अर्पित करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में भगवान विष्णु जी खुशियां और माँ लक्ष्मी धन लेकर पधारते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराना बहुत ही उत्तम माना गया है। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घर में अन्न धन के भंडार कभी ख़त्म नहीं होते हैं। आंवले का दान, अक्षय नवमी पर आंवले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से इंसान की हर मनोकामना पूरी हो जाती है और जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आंवला नवमी पे करने के लिए कुछ अच्छे उपाय। अब आपसे विदा लेते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।